एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी, और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज़ की चिंता करता ही रहता। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। खेती करने के लिए 4 हट्टे कट्टे बैल थे, 2 बैलगाड़ियाँ थीं, एक अच्छा घर था, एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वो भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता, जैसे कि कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार न पड़ जाएं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं, वगैरह वगैरह। अपनी इस लगातार बेमतलब चिंता करने की आदत की वजह से वह अशांत और परेशान सा रहने लगा था। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं निकला। तो फिर एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ध्यानी व्यक्ति थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलथी मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा ग्लास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध की ग्लास की तरफ देखते और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते तो कभी जमीन पर मारते। वो बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ रहे थे। भिक्षु को इस तरह परेशान देख किसान ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही बेचैनी भरे शब्दों में कहा, मैं इस ग्लास के दूध को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली इस दूध को गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए, या फिर आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। बौद्ध भिक्षु के मुँह से ऐसी बातें सुनकर किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मन, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है, ये दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा दिया या ये खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया, ये आपको दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही ये खराब हुआ है, और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। किसान के मुंह से ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वो कभी होंगी भी नहीं, और अगर हो भी गई तो जिस चीज़ को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो भी तो यही गलती कर रहा है, वो भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है
जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेंगी भी नहीं। वह कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रह गया और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। दोस्तों, जैन बुद्धिज्म में एक कहावत है, जब तुम चल रहे हो तो केवल चलो, जब तुम खा रहे हो तो केवल खाओ। इस लोकप्रिय जैन कहावत ने कुछ महीने पहले मुझे पहली नज़र में ही इसके अर्थ के बारे में हैरान कर दिया था, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जैन कहावत के अर्थ में ही वो राज छुपा है, जिसे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वो चिंता के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। इस जैन कहावत के अर्थ के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरह के विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं। अगर हम कुछ समय के लिए अपने विचारों पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि किसी भी काम को करने के बाद हमारे दिमाग में ज़्यादातर समय ये चार विचार ही बार बार चलते रहते हैं। पहला, क्या मैंने ये सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमागी सिस्टम में ज़्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है और हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर ये उसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हमारे चाहे बिना भी उस काम को करने का प्रयास करता है। शुरुआत में तो हम किसी भी काम को अपनी इच्छा से पूरे होशो हवास में करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी आदत बन जाता है और फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को किए चले जाते हैं। जैसे कि जब हम शुरुआत में कार चलाना सीखते हैं तो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है और हम पूरी सावधानी के साथ कार चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं हमारा दिमाग इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर हम फ़ोन में बात करते हुए, गाने सुनते हुए या फिर कुछ खाते हुए भी आसानी से कार को चला लेते हैं और हमें इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। हमारे हाथ और पैर अपने आप ही गियर और ब्रेक्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अब हम कार को सबकॉन्शियसली चला रहे होते हैं, यानी कि एक तरह से बेहोशी की हालत में हमें पता नहीं होता और काम हो रहा होता है। ठीक यही हमारी चिंता करने की आदत के साथ भी होता है। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी चीज़ों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वो छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है कि अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है, और फिर वो भी किसी काम या घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वो ये काम जानबूझ कर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है और फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जैन कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुक कर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे। हमें पूरी जागरूकता के साथ ये देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर किस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूँ यह काफ़ी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है, मन को अपने स्वभाव का एहसास कराने के लिए पर्याप्त है, और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान देना, और जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे और फिर आप अनुभव कर पाएंगे एक आनंदित और शांत जीवन का। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।